कश्मीर से नागपुर में परीक्षा देने आई एक युवती का ऑटो में उतरते समय मोबाइल छूट गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए युवती को उसका मोबाइल सुरक्षित तरीके से लौटा दिया। इससे घटना की जानकारी मिलते ही शहरवासियों ने यूनिट 4 की टीम द्वारा किए गए अच्छे कामों की सराहना कर रहे हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल एक ऐसी वस्तु है कि अगर वो आपके पास ना हो तो आपके कोई भी काम संभव नहीं, क्योंकि मोबाइल पर सारे नंबर्स और सभी प्रकार का डेटा जमा किया जाता है। जरा सोचिए कि यदि हमारा मोबाइल फोन कहीं गुम हो जाए तो हमारी अवस्था कैसी होगी। हम घबरा जाते हैं, हमारे दिल की धड़कने बढ़नी ही लगती हैं, या यूं कहें कि हम अधिक परेशान होते हैं। दर्शकों, ऐसी ही एक घटना जम्मू कश्मीर निवासी जसमीना चीप के साथ हुई। स्क्रीन पर दिख रही ये युवती कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की निवासी हैं, जो जम्मू कश्मीर से नागपुर में MPED का प्रैक्टिकल देने नागपुर आई हुई थी। दरअसल अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल देने के लिए ये युवती एक ऑटो में बैठी। जब ऑटो वाले ने इस युवती को उसके गंतव्य स्थान पर छोड़ दिया और वहां से निकल गया, तो कुछ समय पश्चात ही इस युवती को अपना मोबाइल ऑटो में छूटे जाने का एहसास हुआ। कुछ समय के लिए ये युवती परेशान हुई, लेकिन उसने हिम्मत न हारते हुए तुरंत इसकी शिकायत धंतोली थाने में कर दी। वहां पर शिकायत दर्ज करने के बाद ही धंतोली पुलिस ने तुरंत एक्शन के साथ मोबाइल चोरी की शिकायत क्राइम ब्रांच यूनिट 4 को रेफर कर दी। क्राइम ब्रांच के जवानों ने युवती का लाइव लोकेशन चेक किया और यूनिट 4 ने युवती को बाइक पर बिठाकर साथ ले गए। आखिरकार यूनिट 4 के पुलिस को मोबाइल ढूंढने पर कामयाबी मिल गई और जम्मू कश्मीर के इस युवती को उसका मोबाइल सही सलामत वापस किया गया। मोबाइल मिलते ही इस युवती को बहुत आनंद हुआ। क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 के जवानों के कामों की सराहना करते हुए उसने BCN समक्ष जानकारी दी। सुबह जब मैं निकली प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 6:30 उसका टाइमिंग है, तो मैं 6:15 तक निकल गई थी। मैं ऑटो में बैठी तो वैसे ही मेरा निकलते टाइम ना फोन ऑटो में छूट गया। मैं जब 5-10 मिनट के बाद मुझे पता चला उतनी देर में ऑटो चला गया था। उसके बाद मैं गई धंतोली पुलिस स्टेशन धंतोली वाले पे, तो उन्होंने मुझे बोला एप्लीकेशन लिखो अपना, और उन्होंने मुझे यहाँ ट्रांसफर कर दिया क्राइम ब्रांच यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 वालों ने उन्होंने लाइव लोकेशन मेरा चेक किया, फोन का चेक किया और क्विक रिस्पांस करके। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो अक्सर मुंबई पुलिस द्वारा किए गए कामों की सराहना होती है। मुंबई पुलिस को जागरूक पुलिस भी कहते हैं, लेकिन हमारे क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के अधिकारी और उनकी टीम भी पूरी जागरूकता के साथ अच्छा काम समाज में कर रही है। ऐसे सभी अच्छा काम करने वाले पुलिस की शहर के नागरिक काफी सराहना कर रहे हैं। जय हिंद। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 से कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ संजय मीरे, BC News नागपुर।